ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो कल हम लोगों ने क्या देखा था कि निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, अगर रेंज में फंसी हुई है मार्केट रेंज में ही रहेगी। कल भी हम लोगों ने देखा था 34,000 से 34,500 की रेंज होगी। जिस भी साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड पर अपन लोग ट्रेड लेंगे। हमने एक बार लिया भी था बट कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए। रीज़न क्या था, बहुत ज़्यादा दम ही नहीं आ रहा था मार्केट में। ऊपर में 34,800 का ग्रेटेस्ट हर्डल था, ठीक है ना। विक्स जो थी वो आपकी 25 से ज़्यादा पहुँच चुकी है। 25 से ऊपर विक्स नो ट्रेडिंग होता है। कोई भी प्राइस सेक्शन हो, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस हो, कोई भी डेटा रीडिंग हो, कुछ भी हो, एक्यूरेसी देता ही नहीं है, बहुत रिड्यूस होती है। रीजन क्या होता है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। जब भी ट्रेड लोगे एसएल कट जाएगा। अब आज का हम लोग देखते हैं, मार्केट में हो गया गैप अप, खोली नीचे आती चली गई, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, देन ब्रेकआउट दिया कैंडल का, देखा कितना साउंड कैंडल है, उसके बाद ये फ्री फॉल हो गया। यहाँ ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन था, ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन से नीचे आया, फिर अगेन ये देख रहे हो विक्स कितनी लंबी लंबी बना रहा है, मतलब किसी को भी बार बार धोखा दे जाए। उसके बाद नीचे आया, देन आपका यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी की भी ट्रेंड लाइन बन रही थी इस तरीके से नीचे में, और ये यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके फिर नीचे आ गया, फिर लास्ट में ऊपर आ गया। कल हम लोगों ने क्या कहा था कि अगर 16,120 के नीचे निफ्टी जाती है तो हम लोग 16,020 तक के टारगेट क्लियर कर सकते हैं, और 20 पे अपने शॉर्ट कवर भी कर लेंगे। रीजन क्या था, पुट राइटिंग बहुत थी। आज भी अगर हम देखें तो 91 लाख पुट राइटर थे, इसीलिए 16,000 का लेवल था वो डिफेंड हो गया। अभी कल क्या हो सकता है वो देखते हैं चार्ट पे। ये आपको देख रहे हो, ये एक सपोर्ट एरिया, सपोर्ट एरिया कैसे निकलता है आपका, देखो कितनी ज्यादा यहाँ से बाइंग आ रही है। दैट मीन्स अगर ये लेवल टूटता है जो कि आ रहा है आपका 15,975, ठीक है ना, 15,975 के नीचे सस्टेन होना शुरू हो जाती है, तो फिर हम लोगों को कल जीरो हीरो ट्रेड भी मिल सकता है, क्योंकि 16,000 के पुट सारे ट्रैप्ड हो जाएंगे, ठीक है। अभी भी अभी देखेंगे कितनी पुट्स बैठी हुई हैं। ऊपर में कहाँ पे जाएगा, जब तक ये वाला लेवल, ठीक है, 16,120 का लेवल जो हम लोगों का कल ब्रेकडाउन का लेवल था, वही हमारा ब्रेकआउट का लेवल आ गया है। इसके ऊपर हम लोग बाय करेंगे 16,180, 16,200, ठीक है। अभी देखेंगे कि क्योंकि मार्केट बहुत रेंज में है, ट्रेड जितना अवॉइड कर सकते हो कम से कम कर सकते हो उतना अच्छा रहेगा। नीचे भी अगर आप देखो 15,948 एक लेवल है। दूसरा सिनेरियो क्या होता है, अगर रेंज में खुली, दूसरा होगा गैप अप खुली। गैप अप खुलेगी तो आप देख रहे हो ये सारे ट्रैप्ड होंगे। उसके बाद आप हम वेट करेंगे प्राइस सेक्शन का, क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। अगर प्राइस सेक्शन पॉजिटिव कहीं पे भी दिख रहा है तो हम लोग बाई साइड पे जाएंगे, और लास्ट में नेगेटिव, क्योंकि आजकल मौके आप देखोगे तो बोथ साइड मिल रहा है, ठीक है, बाइंग बायर्स को भी मिल रहा है, सेलर्स को भी मिल रहा है। सेल ऑन राइस की मार्केट ऑब्वियसली चल रही है, सेलर्स थोड़े ज्यादा हावी हैं, FIIs जो है हमारे वो ज्यादा बेच रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कहीं पर भी एक नेगेटिव गैप अप खुला, मार्केट ने प्राइस सेक्शन ऊपर बनाया, फर्स्ट हाफ में लेट से ऊपर गई, फिर कोई नेगेटिव कैंडल बनाती है, फिर हम लोग उस पर भी शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर एम पैटर्न, वही अपना जो एम पैटर्न कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन, या फिर आपका ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन इस तरीके से जो आता है इस पे ट्रेड कर लेंगे। अभी आप देखोगे कि गैप डाउन खुली तो क्या होगा, अब गैप डाउन खुलेगी तो क्या होगा, 91 लाख जो हमारी पुट्स बैठी थी अभी देखें कितनी है, वो सारी ट्रैप्ड हो चुकी होंगी। अगर मार्केट ऊपर नहीं आता है तो फिर इस जगह पे आके आपकी रेजिस्टेंस ले जाएगा, जो ये हमारा सपोर्ट एरिया है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो इस एरिया पे आके कोई नेगेटिव कैंडल बनाएगी, फिर हम लोग शॉर्ट करेंगे उस केस में। लेकिन जो भी करेंगे हर चीज शॉर्ट क्वांटिटी में करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन चेन पे देखते हैं क्या हो रहा है। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे सब जगह अच्छा निफ्टी ज्यादा वीक थी एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था और आज भी हम लोगों ने देखा था। रीजन क्या था, निफ्टी आईटी, जो मैं आईटी बता रहा था, ठीक है ना, आईटी जो था वो यहाँ पे 16,200 पे आज मैक्सिमम 56 लाख हुए, 97, मतलब 16,220, ठीक है, 250, ये आपका ग्रेट हर्डल का काम करेगा। अगर शॉर्ट कवरिंग अपसाइड में आनी होगी तो ये लेवल 200, ये से 250 का लेवल जब क्रॉस करेगी तभी आएगी 16,400 तक के लिए, ठीक है ना। अगर शॉर्ट कवरिंग ऊपर की साइड आती है तो नीचे की साइड तब आएगी जब 15,950 के आसपास आ जाएगी, या फिर आपका 16,000 का लेवल डिसाइसिवली टूट जाएगा, तब आपको नीचे की साइड का शॉर्ट कवरिंग आएगी। एल्स क्या होगा, रेंज बन जाएगी अभी 15,950 से 16,200 तक की, ये रेंज बन जाएगी एक्सपायरी की। अब आप देखोगे यहाँ पे अगर 70 लाख है, ठीक है ना, ये ही कन्विक्शन था कि हम लोग ने बॉटम पे बाई नहीं कर रहे थे, हालांकि चार्ट पे सपोर्ट आ रहा था, बट ये देख रहे हो आप ये यहाँ से पुट राइटर भाग रहे हैं, तो ये थोड़ा सा खराब सिग्नल होता है, बिकॉज आउट ऑफ द मनी में अगर पुट राइटर्स भाग रहे हैं 70 लाख रह गए। लेकिन ये याद रखना टोटल में अभी भी बहुत है, 70 लाख कम नहीं होते हैं, 70 लाख टोटल में है, तो मार्केट जो है डिफेंड करेगा, बॉटम पे आपको सपोर्ट भी मिलेगा और अपसाइड में आपको रेजिस्टेंस मिलेगी। प्राइस एक्शन किस तरीके से बन रहा है वो देखना है, और दूसरा फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए तैयार रहना, ये मिलते हैं जब विक्स इतना ज्यादा हाई होती है। तो बैंक निफ्टी में देखो आप, बैंक निफ्टी में सेम यहाँ पे अगर आप 5 मिनट्स के चार्ट में हम लोग देखते हैं कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता है, ठीक है, यहाँ पे इसने फॉल्स दिया, ये वाली कैंडल तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था, मतलब अच्छा एक लेजिट ब्रेकआउट था जो आपका लंबी ट्रेंड लाइन पर ब्रेकआउट था, बट अगेन उसके बाद भी इसने फॉल दिखा दिया। अब अगर हम लोगों ने कल बैंक निफ्टी में क्या देखा था कि 34,200 के नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे, दैट टू 150 पॉइंट तक का टारगेट रखेंगे, बड़ा नहीं रखेंगे। बैंक निफ्टी में 34,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 34,000 का, इसमें हीरो जीरो तभी आएगा, डाउन ट्रेंड तभी आएगा, 34,000 को डिसाइसिवली तोड़ देगी, ठीक है ना। ऊपर की साइड में अच्छा बैंक निफ्टी आज ज़्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू निफ्टी,
रीजन क्या, आईटी है ना। अब अगर क्या होता है, आप देख रहे हो प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है, ये अगर ऐसे बन के जाता है, यानी कि लेवल कौन सा आ रहा है 34,500, ठीक है 500 550 को क्रॉस करेगी, अगेन 700 में बड़ा हर्डल आ रहा है, ठीक है 700 है या 800, 34 800, ये लेवल तो जबरदस्त रेजिस्टेंस है। याद रखना अगर शॉर्ट कवरिंग ऊपर की साइड आएगी तो 34,800 को क्रॉस करना पड़ेगा, 34,800 को क्रॉस करेगी तो फिर हमारा 3,500 यानी 200-300 पॉइंट और एक्सटेंड हो सकते हैं। यानी अगर हम इसकी रेंज चार्ट पे निकालें तो 34,000 से 34,800 की रेंज आ रही है आपकी एक्सपायरी की, फॉर अभी जो चार्ट में हमारी रेंज निकल रही है। जिधर की भी साइड टूटेगा उस टाइम में ब्रेकआउट वाले ट्रेडर्स लेंगे, नहीं तो क्या होगा 34,000 के आसपास कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाता है या फिर 34,800 के आसपास कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन यानी एम पैटर्न वगैरह बनाता है तो हम वहाँ पे शॉर्ट करेंगे। अब होगा क्या, गैप डाउन खुल जाए, सेम सेम जो बताया निफ्टी में सेम चीज़ है बैंक निफ्टी में, उसी तरीके से पैटर्न काम करेगा। अगर 34,000 के नीचे खुल जाती है गैप डाउन की वजह से, देन ये आपका जो 34,000 का लेवल है 34,000 34,050, ये दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है ना। सेल हम लोग बैंक निफ्टी को थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, रीजन क्या है, बैंक निफ्टी ने अपना जो रेजिलियंस है ऊपर नीचे तो कर ही रही थी, वोलेटिलिटी तो थी लेकिन बार बार ऊपर जा रही थी। एक बार इसका डेटा देख लेते हैं, डेटा क्या कहता है, कहाँ पे 34,600 यानी 34,600 पे आज मैक्सिमम कॉल रेटिंग हुई है और टोटल 34,500 पे बैठी है। उस दिन हम लोगों ने क्या रीजन डिस्कस किया था 2 दिन पहले, कि इतने हैवी प्रीमियम है कि इन लोगों को कुशन बहुत मिला हुआ है, मतलब 34,500 के ऊपर भी जाएगी, किसी ने अगर 400 रुपये या 300 रुपये पे सेल कर रखा है तो 34,800-900 तक तो वो सेफ ही है ना, तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं, इसलिए कॉल राइटर ना बहुत दबा के पकड़े हुए बैठे हैं। और वॉलेटिलिटी की वजह से हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स का एसएल कटवा रहे हैं 3,200 पे, इसमें भी पुट राइटिंग थोड़ी सी हल्की हुई है, तो जो डेटा ऑप्शन चेन का बता रहा है वो थोड़ा सा बेरिश की तरफ बता रहा है। रीजन क्या है, कॉल राइटिंग है और आपका पुट राइटर भागे। अब देखना यह, अगर गैप अप खुलती है तो ये सारे ट्रैप खुल होते हैं या नहीं होते हैं। अगर ये ट्रैप होना, हमने देखा गया था कि 91 लाख जो बैठी थे, सीखा क्या था, 16,000 पे आपकी पुट बैठी थी 91 लाख, ये रिड्यूस नहीं हो रही थी ड्यूरिंग द, लास्ट में आकर रिड्यूस हुई है लेकिन ड्यूरिंग द मार्केट ये रिड्यूस नहीं हो रही थी, दैट मीन 16,000 का अभी भी सपोर्ट है। सेम चीज इसमें देखो, अगर मार्केट ऊपर जा रही तो क्या ये भाग रहे हैं, अगर ये कॉल राइटर भागने शुरू हो रहे हैं दैट मीन्स मार्केट में स्ट्रेंथ दिख रही है, फिर मार्केट एक ऊपर की तरफ मूव दिखा सकती है। सो आई होप आपको समझ में आएगा चार्ट को और डेटा को किस तरीके से कंबाइंड करते हैं, दोनों कंबाइंड करके किस तरीके से ट्रेड लिया जाता है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, विक्स एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि एसएल नहीं तो बहुत ज़्यादा कटेंगे। विक्स अगर 22 से ऊपर पहुँचती है तो आपको ट्रेडिंग में पोजीशन साइजिंग रिड्यूस कर लेनी होती है। विक्स अगर 25 से ऊपर होती है, ठीक है, तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी होती है, वरना एसएल मेरे को भी बहुत सारे आज फॉल्स, ये इतना बढ़िया ब्रेकआउट आया था बैंक निफ्टी का जब यहाँ पे था, मैं डेफिनेटली बाय करता हूँ डेफिनेटली इस केस में, लेकिन क्यों नहीं किया, रीजन क्या था, डेटा भी सपोर्ट कर रहा था, प्राइस एक्शन भी सपोर्ट कर रहा था, लेकिन फिर भी नहीं किया बिकॉज विक्स ऊपर थी, और अगर कर लेता तो एसएल कट जाता। पैसा बचाना भी पैसा कमाना ही होता है। सो आई होप आपको कुछ लर्निंग मिली होगी, आज के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।